नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय दंड संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQs, जो कि भारतीय दंड संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम जैसे RJS, MPJS, UPJS तथा छत्तीसगढ़ तथा गुजरात और दिल्ली जुडिशियल सर्विस सहित सभी जुडिशरी एग्जाम जैसे APO तथा JLO में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQs का अध्ययन करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 111 से शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारा पहला प्रश्न है कि यह अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, क्या एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि यह के कपाल पर शल्यक्रिया आवश्यक है, क्या यह की मृत्यु करने की आशय न रखते हुए किंतु सद्भावनापूर्वक यह के फायदे के लिए यह के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्यक्रिया करता है लेकिन यह की मृत्यु हो जाती है, तो क्या निम्नलिखित में से कौन से अपराध का दोषी होगा? आपके ऑप्शन है कि क्या हत्या के अपराध का दोषी होगा क्योंकि यह मूर्छित हो गया था फिर भी उसकी सम्मति के बिना उसने ऑपरेशन किया। नंबर दो, क्या ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि सद्भावना पूर्वक ये के फायदे के लिए तथा मृत्यु करने के आशय न रखते हुए उसने ऑपरेशन किया। नंबर तीन, क्या हत्या के अपराध का दोषी है क्योंकि ऑपरेशन के सफल फलस्वरूप यज्ञ की मृत्यु हुई थी। नंबर चार, की उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यह प्रश्न भारतीय दंड संहिता की धारा 88 से पूछा गया है, जिसका सही आंसर होगा नंबर दो, अर्थात क्या ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि सद्भावना पूर्वक यज्ञ के फायदे के लिए तथा मृत्यु करने की आशय न रखते हुए उसने ऐसा ऑपरेशन किया। दोस्तों, IPC की धारा 88 कहती है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे कि मृत्यु करित करने का आशय नहीं रहा हो अपराध नहीं है। वह बात अपराध नहीं है जो किसी मृत्यु करित करने के आशय से ना की गई हो कि किसी ऐसी अपहानी के कारण नहीं है जो इस बात से कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावना पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानी को सहने या अपहानी का जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विक्षिप्त सम्मति दे दी हो, करित की हो या करित करने का करता रहा हो या करित करने का आशय हो या करित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो दोस्तों, यह अपवाद धारा 88 के अंतर्गत आने के कारण क्या किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसने यह कार्य ये के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक आशय से किया था। अगला प्रश्न है कि यह को एक बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि यह संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए किंतु यह का वध करने का आशय ना रखते हुए और सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के आशय से क्या उस बाघ पर गोली चलाता है, क्या की गोली से यह की मृत्युकारक घाव हो जाता है, क्या ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है, उसने हत्या का प्रयास किया है, कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के आशय से बाघ पर गोली चलाई, उसने आपराधिक मानव वध का प्रयास किया, कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी धारा 88 के तहत अपवाद की श्रेणी में आने के कारण कोई अपराध नहीं है क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के आशय से बाघ पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह सुनिश्चित करने का निर्णायक समय कब से होता है? किसी भी समय, कार्य करने के पश्चात का समय,
कार्य करने का समय या कार्य करने से पूर्व का समय? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्य करने का समय। नंबर 3, यह बात आईपीसी सेक्शन 84 से ली गई है जिसके तहत लिखा कहा गया, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है यह जानने में असमर्थ है। धारा 84 प्रावधान करती है विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के संदर्भ में। बताया गया कि विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है यदि वह कार्य करते समय उस कार्य की प्रकृति के बारे में नहीं जानता कि वह जो कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक शिशु यह के साथ क्या एक जलते हुए ग्रह में है, ग्रह के नीचे कुछ लोग एक कंबल तान लेते हैं, क्या उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय ना रखते हुए और सद्भावना पूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से उसे घर की छत से नीचे गिरा देता है जिससे कि वह शिशु मर जाता है, कै ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध करित किया है? कैने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, उसने हत्या का अपराध किया है, या उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि कैने उस शिशु के फायदे के आशय से सद्भावना पूर्वक वह कार्य किया था। नंबर 4, हत्या और गृह अतिचार का अपराध उसने किया है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी आईपीसी की सेक्शन 88 के अपवादों की श्रेणी में आने के कारण कोई अपराध नहीं किया गया क्योंकि कैके ने उस शिशु के फायदे के आशय से वह कार्य सद्भावना पूर्वक किया था। अगला प्रश्न कि कै 5 डाकुओं द्वारा पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित होता है जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका करित हो कि कार्य का परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। कैने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो इसके ऑप्शन है हत्या, आपराधिक मानव वध, डकैती, या कैने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि पीटे जाने की धमकी के कारण ऐसी बात करने के लिए उसे विवश किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा नंबर 3 कि उसने डकैती का अपराध किया है। दोस्तों यह प्रश्न आईपीसी सेक्शन 94 से पूछा गया है। आईपीसी सेक्शन 94 कहता है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है को छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका करित हो गई है कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में ना डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। इसका स्पष्टीकरण 1 कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हुआ है, इस आधार पर ही उस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए
विवश किया गया था, जो विदितय अपराध है। तो दोस्तों यह प्रश्न आईपीसी सेक्शन 94 के स्पष्टीकरण 1 से पूछा गया प्रश्न है। तो उसने डकैती का अपराध किया है। अगला प्रश्न है कि एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे कि डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, तो लोहार ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो लोहार ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए उसे धमकियां द्वारा विवश किया गया था। डकैती, क्योंकि लोहारों डाकुओं ने लोहार को विवश किया था। उसने लूट की, क्योंकि उस लोहार को तत्काल मृत्यु करने की धमकी नहीं दी गई थी, तथा डाकुओं की संख्या 5 या अधिक नहीं थी। चोरी, क्योंकि डाकुओं ने हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंबर 3। उसने लूट की, क्योंकि उस लोहार को तत्काल मृत्यु करने की धमकी नहीं दी गई थी और डाकुओं की संख्या 5 या 5 से अधिक नहीं थी। दोस्तों यह प्रश्न आईपीसी सेक्शन 94 स्पष्टीकरण 2 से पूछा गया है। आईपीसी सेक्शन 94 कहता है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्तियों द्वारा धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। तो स्पष्टीकरण 2 कहता है कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिकृत और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विदिता अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक घर का द्वार तोड़ने के लिए विवश किया जाता है, जिससे कि डाकू उसमें प्रवेश कर सके, उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। अगला प्रश्न कि कै सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए दावा किया कि वह सर्प दंश को ठीक करने की क्षमता रखता है। खै ने सर्प से अपने को कटवा लिया, परंतु खै को ठीक नहीं कर सका और खै की मृत्यु हो जाती है। तो खै किस बात के लिए उत्तरदायी होगा? अपराधिक मानव वध के लिए, जो कि हत्या नहीं है, हत्या के लिए, छल के लिए, कपट के लिए, या गलत फहमी और लापरवाही से मृत्यु करित करने के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंबर 1, आपराधिक मानव वध के लिए, जो कि हत्या नहीं है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया आईपीसी सेक्शन 299, आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। अगला प्रश्न है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि बताए गए निचले जो कथन है उनमें से गलत कथन को निशान लगाना है। तो इनमें से गलत बात को आपको निशान लगाना है। तो पहला है कि विधि की भूल के कारण किया गया कार्य। तो दोस्तों अगला है कि धमकियों से विवशता पूर्वक किया गया कार्य, जिससे कि तत्काल मृत्यु करने हेतु विवश किया गया हो, तो यह बात सत्य है आईपीसी सेक्शन 94। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कार्य, यह भी सत्य है। ऐसा कार्य जो विकृत चित्त मद होश व्यक्ति या 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है, तो यह बात भी अपराध नहीं है। इसके विपरीत विधि की भूल के कारण किया गया कार्य, तो दोस्तों विधि की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध होता है, क्योंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, तथ्य की भूल क्षमा योग्य है, परंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति
तत्काल तलाक के पश्चात अपनी पत्नी के मकान में उसकी सहायता से आश्रय प्राप्त करता है। तब पत्नी तलाकशुदा व्यक्ति को आश्रय देने के लिए अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता? तो उपरोक्त सभी कंडीशनों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई लोक सेवक स्वयं अथवा उसके निर्देशानुसार कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन सद्भावना पूर्वक कर रहा हो, लेकिन उस कार्य से मृत्यु या घोर उपति होने की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं हो, व्यक्ति यदि सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार इतनी अपहानि करने के लिए तक उपलब्ध है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन या खतरे के बचने के लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। तो इन सभी बातों के लिए शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो धारा 96 के अंतर्गत यह बात अपराध नहीं है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न भारतीय दंड संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि सभी जुडिशियरी एग्जाम जिनके अंतर्गत राजस्थान जुडिशियल सर्विस, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, गुजरात जुडिशियल सर्विस तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा ली जाने वाली छत्तीसगढ़ जूनियर जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत कई बार पूछे जाते हैं तथा सभी प्रकार की सिविल जज तथा एडीजी एग्जाम के अंतर्गत भी कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एपीओ में भी इनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यदि आपने, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और इस श्रृंखला को यदि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा कमेंट किए जाने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम अपने आप में और सुधार का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।